Yeah, it's okay. It's A understandable. little. A little, no A little. problem. No problem. No problem. I know. So I will see you next time. Thank Until you for then, your time. take care. I can go from there? No, do you have a way? No, no, no. No. Oh, you only can go from this side. Okay, I see. Okay. Now this place, you need to push me a little. Okay. Okay, no problem, no problem. I can. Ah, xie xie. Thank you. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Wow, that's good. तो अभी रात खत्म हो गई, अब हम यहाँ से निकलते हैं और निकल के वापस चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि इस सिटी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। यहाँ पे सारे लोग कैंपिंग वगैरह के लिए आते हैं, कैंपिंग हो गई, मुख्तलिफ चीजें। बेसिकली ये एक लेक है और इस लेक के ऊपर जो है वो लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ चीजें मैनमेड ली है। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार जो है इस कैफे है यहाँ पे, और कैफे में जो है बैठता हूँ और ये रास्ता आपको सीधा हाईवे की तरफ एग्रोड करता है। सॉरी, हाईवे एक्सप्रेस है। आगे से हम लेंगे लेफ्ट। ओके, शॉप ओनर, कैफे का शॉप ओनर जो है वो अच्छा था, उसने मुझे स्टिकर भी दिया, मुझसे बातचीत भी की। मैं लाइव स्ट्रीम भी आजकल करता हूँ अपने रीचर चैनल के ऊपर, उसमें भी आज मुझसे आ रहा है। ओवरऑल जो है वो आज का दिन अच्छा गुजरा। नॉर्मल हॉलीडे के दिन मैं बोरिंग फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो लोग अपने अपने खुद चले जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह चाइनीज भी, वो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं। मैं क्योंकि फिलहाल जो है वो अकेला रहता हूँ, तो मैं जो है वो बोर होता रहता हूँ। तो मैंने बाइक बेसिकली राइड करता हूँ, इसलिए जब मैं बोर हूँ तो आई कैन राइड माई मोटर बाइक। ओके, यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और फिर हम निकलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द होल। अरिजीत के काफी सारे, डीनो जेम्स मेरा फेवरेट इंडियन रैपर कह लो आजकल है, जिसके गाने मुझे बड़े अच्छे लगे। लेट्स लिसन दिस वन। ओके, आज काम ही लग रही है। यहाँ पे मोस्टली हैवी ट्रैफिक होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया, तो फैक्ट्रियों का सामान आ रहा है जा रहा है, कार को लोड हो रहा है अनलोड हो रहा है, लोग पुलिस भी आ गई। शुक्र है आज दिन तक मेरा पुलिस के साथ कभी इंटरेक्शन ट्रैफिक पुलिस के साथ नहीं हुआ, ना तो कभी गलत गाड़ी चलाई, ना तो कभी
बाइक गलत राइड की, कभी पुलिस ने मुझे ना रोका ना कभी पूछा। हाँ चेकअप पे कभी एक दो बार रोका होगा, वो भी रात के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए पे प्रोविशन है, और चाइनीज अमूमन जो लोग हैं वो करते हैं, अपना ना ड्रिंकिंग का सीन है ना बाकी कुछ ऐसा, तो चेन। I'm good on that, fit in the racks, look at the stack, trunk in the front, look baby got back. I'm the one to want it, ripping the range. Do now or later, I can't eat the pain. All of you sounding the same, back of the bus, stay in your lane. I don't really ever do no regular-ish. Who he think he talking to, a regular chick? Flintstone rock stay all on my wrist. 40-ounce booty, real thick in the hips. Ain't no regular, schmegular, money on my cellular. Diamonds on my body, big brick, drop the temperature. I don't really ever do no regular-ish. Who he think he talking to, a regular chick? ये गाड़ी भी बढ़िया आजकल जो है वो चाइना में फेमस है, काफी सारे लोगों ने ली हुई है, और ये सस्ती गाड़ी नहीं है, तकरीबन 500,000 तक आपको जो फुल रेंज वाला मॉडल है वो आपको 500,000 तक मिलता है। फुल रेंज मीन्स 800 किलोमीटर। खैर चाइनीज की एक और भी गाड़ी है जो 1200 किलोमीटर करती है, टेस्ला से भी ज्यादा, टेस्ला 600 करती है मैक्सिमम, ये 800 आई गेस करती है, जिसका फुल जो हाई एंड मॉडल है। और एक और कंपनी है चाइनीज की जो कि लोकल इनकी कंपनी है, ये भी लोकल कंपनी है, लेकिन इसकी क्वालिटी मैंने सुना है बहुत अच्छी है। और मैं बैठा हुआ भी हूँ इसके सेम एक मॉडल है जो कि स्मॉल एसयूवी कह लो, इससे छोटा है, ये तो खैर फुल साइज एसयूवी है वो इससे छोटा है, वो है तकरीबन 400,000 RMB, तकरीबन पाकिस्तान में बन गए 1.5 करोड़ रुपया तकरीबन, ये भी सोया हुआ है। ये सारे लोग इस तरह मोबाइलों पे लग जाते हैं, खेलते रहते हैं। चाइना में मोबाइल इजाजत है आपको, कुछ लोग होते हैं जो सो जाते हैं, हालांकि मैं इजीली निकल सकता हूँ साइड से, लेकिन फिर भी मुझे नया ड्राइवर लगा, इस वजह से मैंने जो है कोशिश नहीं की।
ऐसे भी लोग होते हैं, अगर आप साइड से निकलने करो तो आपको साइड मार देते हैं, और फिर गलती आपकी है कि आप साइड से क्यों निकल लें। मोटर बाइक और गाड़ी को सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। इधर इस सिटी में मैं अमूमन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे आपको पकड़ते नहीं। लोग अपने अपनी सिटीज को जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ छुट्टियां मनाने के लिए अभी जा रहे हैं। हमारा ग्राम बहुत दूर है यहाँ से, हमें जहाज लेके जाना पड़ेगा। पाकिस्तान वैसे भी जाने का ज्यादा दिल नहीं करता क्योंकि वहां पे इतना शोर शराबा होता है, कान फट जाते हैं बंदे के। हालांकि मैं वहीं से आया हूँ, लेकिन एक अरसा मैंने बाहर रहने के बाद, सारी बात है आपकी आदतें चीजें बदल जाती हैं, एटीट्यूड बदल जाता है। ये नहीं कि अभी इधर आके हम मम्मी डैडी हो गए, वहां पे भी हम मतलब शोर बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, गाड़ियों का हॉर्न और इस तरह का नहीं। मुझे याद है मैं 2019 में गया था, ओहो, इतनी सख्त गर्मी और इतना शोर शराबा, और गाड़ी चलाने के लिए आपको चार आंखें चाहिए। कोई साइड से आ रहा है, मोटरसाइकिल वाले तो वुमन वहां पे ऐसे आते थे जैसे बंदा कहता है बस पता नहीं क्या जंग छेड़ रही है। ये है हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग, यहाँ पे हम अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, और ये बेसिकली मेरी ऑफिस कह रहे उसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये हमारी साथ गाड़ी कंपनी की खड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी देख लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर दीजिए।